तो अभी मैं निकल रहा हूँ पटना जंक्शन के लिए। ये अटल पथ है और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है वीर कुंवर सिंह पार्क। अगर कभी मैं गया घूमने तो आप लोगों को भी ज़रूर घुमाऊँगा। और ये मैं आर ब्लॉक से होते हुए पटना जंक्शन के लिए जा रहा हूँ। और मैं पटना जंक्शन पहुँच गया हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मेरी गाड़ी है। चलिए चलते हैं 4 नंबर। अभी मैं पहुंच गया हूं पटना जंक्शन पे और आज हम सफर कर रहे हैं पटना से कानपुर तक के लिए पटना स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से, जो कि कलकत्ता से खुलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन तक जाती है। तो आज हम सफर करेंगे पटना से लेके कानपुर तक A1 के 12 नंबर सीट से। तो अभी सुबह के 3:30 बज गए हैं और मैं सो के जाग चुका हूँ क्योंकि मेरा स्टेशन आने वाला है और मैं गेट के पास आके खड़ा हूँ। तो अभी लगभग 560 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी जंक्शन, जो कि कानपुर का ही सब स्टेशन है। और यहां से कोई ऑटो वगैरह लेता हूं और सेंट्रल के चलता हूं। तो फिर और ये है कानपुर सेंट्रल जंक्शन। अचानक से मुझे कुछ काम के सिलसिले में लखनऊ जाना पड़ा तो मैं अभी तेजस एक्सप्रेस से लखनऊ जा रहा हूँ। तो हम पटना से कानपुर तक का सफ़र किए हैं जो आप लोगों को मैंने दिखाया था और फिर मैं कानपुर से आ गया लखनऊ और अभी मैं लखनऊ में हूँ। और आज लखनऊ में मैं जा रहा हूँ बड़ा इमामबाड़ा, शायद आप लोगों ने भी नाम सुना था। वहीं गदर मूवी की शूटिंग हुई थी जहाँ पे सनी देओल ने कल उखाड़ा था। तो वहीं है भूल भुलैया और एक कुआं भी है, विशेषकर मैं चल के आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। और जो अभी तक हम लोगों ने सुना था कि दीवारों के कान होते हैं, सच में अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगी कि सच में दीवारों के कान होते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस चीज़ को दिखा भी पाऊंगा। और फिलहाल मैं जहाँ रुका हूँ आपको दिखाता हूँ वो। तो ये है लखनऊ, लखनऊ का चारबाग स्टेशन के पास में ही ये होटल यश है जहाँ की इतनी अच्छी सुविधाएं मिलती है। ये मेरा रूम था जहाँ मैंने कल रात में स्टे किया। ये मेरा बैग पैक हो गया है और अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो यही था, अभी मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है। तो चलिए अब निकलते हैं, लखनऊ के सड़कों पर घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। भैया अभी हम पहुंच गए हैं लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में और चलिए आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं और खुद भी घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं। देख के तो बहुत मजा आ रहा है, नवाबों वाली फील तो अभी से आ रही है। यहाँ पे देखिए इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल है, कभी भी आना इमामबाड़ा के अंदर, कभी विदाउट टिकट आ सकते हैं। कोई टिकट यहाँ का नहीं लगता, टिकट लगता है भूल भैया का, बॉली कुएं का। धार्मिक स्थल लोग समझते हैं नवाब साहब का जो कब्र बनी है हमारे कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नवाब साहब जिंदा थे, अपने जीते जी इमामबाड़े को धार्मिक स्थल बनवाया था। किन की याद में? जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे उनके नाती थे, उनके ग्रैंडसन थे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी याद में इमामबाड़ा को बनाया गया उनकी याद में। जो मुहर्रम में जो मातम करते हैं शिया समाज के लोग, मुहर्रम में मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ताज़ी निकालते हैं,
इनके ये शोक बनाया जाता है जो असली इराक में ये उनका रिप्लिका बनाया है, उनकी याद इमाम बाड़े बनाए। हर जगह इमाम बाड़े होते हैं, हर शहर में, हर देश में, हर एरिए में, लेकिन असली इराक में इसको करबला कहते हैं, ये एक रिप्लिका है। इमाम बाड़े का मतलब होता है इमाम माने अवतार और बाला माने होता है घर, यानी इमाम घर अवतार का स्थान। यहाँ पर नवाब साहब को रहते नहीं थे, ये रहने का स्थान नहीं था, यहाँ पर महल नहीं था, ये सिपरे के लिए बनाया गया था। आइए पिक्चर के लिए म्यूजियम में ये 3D तस्वीर है, जिस एंगल से आप जाके देखेंगे ऐसा लगेगा तस्वीर के अंदर अर्जी आपके तरफ जूते शरीर आके धड़क उनकी चली दरबार अर्जी घूम जाती है। इसका 3D है पिक्चर के लिए म्यूजियम में। और ये नवाब से शासन किया था, शासन का नीचे लिखा हुआ है, नवाब से जब पैदा हुए थे इनका जन्म हुआ था 1787 में, 49 साल की एज में डेड हो गई थी। 22 साल हुकूमत करने के बाद यहाँ के चौथे नवाब थे, इनके मरने के बाद हुकूमत संभाली इनके भाई ने, उनका नाम था सादत अली खान। चाइनीज हॉल में चलने वापस स्टार्ट करते हैं भाई है। देखिए ये पहला हॉल है चाइनीज हॉल, एक नवाब साहब की प्लेट थी, चीनी की प्लेट से नवाब साहब खाना खाते थे। जबकि 1784 में इमाम बाड़ा फूल पे बना है, तो इमाम बाड़ा की छत पूरा प्लेट का डिजाइन आर्किटेक्ट बना दिया था। नवाब साहब की प्लेट में खासियत थी, हाल नहीं थी, अगर देखो उनको दुश्मन खाने के लाके जहर देखो मारने की कोई कोशिश करता था तो ब्लेड बीच से क्रैक हो जाती थी, जब रंग चेंज कर देते पता लग गया था इसने खाने में जहर मिला। लाइन से चेयर जो देखने को मिले, चेयर है, चेयर पैक के हैं, चेयर नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते, लोग कहानियाँ बनाते हैं कि पुरानियाँ बैठती थी, लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, खाली विंडो है। वेंटिलेशन के विंडो बनाए गए थे, झरोके खाली बनाए गए थे, लोगों की खाली ऐसी सोच है कि आइए तरह से यहाँ से टोटल 45 सीढ़ी चढ़ना है, काउंट करते रहिएगा। कैसे रहे भैया? अरे अभी कितना वही ले जाना, मेरा काम निकलना आपका काम। फिर से भूल गया क्या बोले थे? चलिए यहाँ से चलते हैं लेफ्ट में, पहला रोमांच मेरा सफर। अरे साले तू गली कुछ दिख रहा, अंधेरा भी बहुत है। ओ, और यहाँ से आप देख सकते हैं वही झरोखे थे जो नीचे हम लोग देख रहे थे। देखिए डांट देगा, ये सुरंगें दिल्ली, आगरा, फैजाबाद, कलकत्ता गई, ये 1857 में सारे रास्ते बंद कर दिए थे। क्यों बंद कर जाते? बिना गेट के लोग आते हैं, कहीं अंडरग्राउंड नीचे ना जाए, इसीलिए सारे रास्ते बंद कर जाते। ऊपर से बाउंड्री उठा दी गई है, नीचे रास्ते अभी भी वैसे ही खुले हुए हैं। आप सब लोग देख के आप लोग आगे आते रहे, नीचे वन स्टेप है, आइए आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए। देखिए ये 930 फीट दूरी है, बाहर वाला मेन गेट, रोड वाला दुश्मन देखे रास्ता, उसको बोलते तीर वाला सेंटर गेट, यहीं से एग्जैक्ट नंबर 3 चलता था, मगर उसको नहीं पता यहाँ से बैठ के हमें कौन देख रहा है, बाहर वाला रोड गेट। दूसरे देख रहे चलो ये भी वो कुदिए का बात है। सच में वो अपना परिचय दे के गया है जो भी है। अरे ये भाई ये कौन खोपचा है, लेकिन अकेले वालों के लिए नहीं है भैया, सच में। ओहो देख रहे हैं कितने सारे आसिक अपने आसिकाओं का नाम लिख के गए हैं। अरे बाप रे बाप, जियो राजा तो अनिये के राज बा, तार प्यार तो अमर ना भाई, बाकी नमुआ तू अमर कर दे लो। कहाँ कहाँ जाए के रास्ता बाटे, बाकी हम अकेले ना जाएंगे, उसके संगे की तो हम हो जाती। चली इस बिल्डिंग को बनाया था नवाब आसिफ दौला अवध के चौथे नवाब, ये 1773 में स्टार्ट हुई, 84 में बिल्डिंग कम्प्लीट हुई, पूरी बिल्डिंग बनने में 11 साल लगे, काहे से बनी कैसे बनी। आगे से तीन गलत एक सही, यहाँ से बता के समझा के छोड़ देना मेरा काम, निकलना आपका काम, 10 मिनट का समय देंगे, जब आप लोग रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे तब गाइड आपको निकालेगा। ठीक है 1 2 3 4 भाई ऊपर चारों रास्ता वही है भाई, महंगा पड़ जाएगा इमाम बाड़ा को।
देखिए भूलभुलैया का सफर था। हाँ तो प्लसवा तो बंद कर लेते हैं, बाकी ये देखिए पहला छत यही है। हाँ देखिए कुछ मोहतरमाएँ वहाँ भी हैं, कुछ यहाँ भी हैं। इतना ऊपर चलते चलते हमको लगा कि कहीं ज़्यादा ऊपर ना पहुँच जाएं, पर ऊपर का नज़ारा आप देख ही रहे हैं, खूबसूरती देखने वाली चीज़ है। देखिए हम तो देख ही रहे हैं, देखिए और फील कीजिए। ओहो कुछ प्रेमी योगल जोड़े भी हैं। दिल्ली में जाम मस्जिद बनी है, उसकी पापे बनी नगरा में जुम्मन मस्जिद, जुम्मन मस्जिद नाम इसमें रखा बने वहाँ जुम्मे की नमाज होती है। अपनी होती है बिहार की आसिफ की मस्जिद, फ्राइडे को कभी जाएगा सुबह 10 से 3 बजे तक के बीच के बन जाए तो यहाँ पर नमाज होता है। देखिए सामने व्हाइट होती थी दिल्ली की, व्हाइट वाली वो टीने वाली मस्जिद है, वो रहते नमाज हमें सामने पक्का पूछ रहा है कदर की भी शादी के लिए देखिए पक्का पूछ रहा है आपको। ये देख रहे हैं ये मस्जिद है, नीचे से तो हम लोग शूट नहीं कर पाए थे और यहाँ से काफ़ी अच्छे से हम लोग शूट कर पा रहे हैं। और इसको देख के आप लोग गाना भी गा सकते हैं, क्या नज़ारा है। देखिए इस नज़ारे को फील कीजिए, बाकी मेरा गल थेथरी और बकलो। तो गाइस अभी हैं भूलभुलैया में, हम खुद ही भुला गए हैं, गाइड मेरा पता नहीं वो कहाँ भुला गया है, आप खोज ही नहीं पा रहा है, पता ना लगता ट्रेनर छुड़वाएगा। जय जो सामने आप देख रहे हैं ना वो बैटरी मेज बन रहा है, पहले के जमाने का सीसीटीवी कर सकते थे, गेट पे कौन आया नहीं आया यहाँ से क्लियर देख पाएंगे। वेट मैं जूम करता हूँ शायद देखिए ये वाले पोर्शन में जो भी लोग बाहर खड़े उनका मेज बन रहा है, पहले के जमाने में लोग इसलिए देख सकते थे कि हाँ कौन आया नहीं आया। देखिए घूमते घूमते किसी तरह पहुँच ही गए हैं, यह छोटा इमामबाड़ा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रुकिए बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको, काहे घबराते हैं दिखाएंगे ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए बिल्कुल प्रेम से देखिएगा, यही है छोटा इमामबाड़ा, थक गए तो हिम्मत नहीं हो रहा था तो सोचिए कि आप लोगों को दिखा देते हैं। ये है सामने वो गेट है और वो जो बड़ा वाला दिख रहा है ना ये वाला घंटाघर है, देखिए नजदीक जाते हैं तो देखते हैं। और ये और सामने एक और ये गेट बना हुआ है छोटा इमामबाड़ा का, चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं। यही है छोटा इमामबाड़ा, शाम के सूरज की लालिमा के साथ देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। इना हो रहा फोटो भी ना जानते हैं, तो चलिए यहीं से